तो सिटी में जो आपका थोड़ा बहुत हाईवे पे चला लेते हो वो स्किल्स के साथ यहाँ नहीं चलाते हैं, यहाँ पे टोटली अलग तरीके से चलानी पड़ती है। टू थर्टी फाइव हो रहा है, 150 को ब्रेक ले गया था, निकलते हैं अब, थोड़ा इसको ऐसे ही रहने देते हैं। देखिए हाईवे पे चला रहे हैं, खूबसूरत ये रही अपनी वेंट वॉल्वो। देख सकते हैं मेरा चेहरा कितना टायर्ड ऑयली हो चुका है, खास करके नैप लेने के बाद मुंह नहीं धोया, अब धोऊंगा। लेकिन ये है अपना फाइनल टोल शिरडी का, तो वो आपको नेचर में ही लेना पड़ेगा। अच्छा लगता ना किसी और शहर में अगर आप अपने रजिस्ट्रेशन एरिया की गाड़ी देखो तो। Hey guys, good evening. Welcome to Wiki Vlogs and I'm Wiki. I've just completed my 4-day project here in Chhattisgarh and I'm on the way to my hotel. I need to take diesel first and total kilometer on the trip is 1275 from Mumbai, but also it includes the 4 days up and down from my hotel to institute. तो अभी plan है कि पहले diesel ले लेते हैं guys, उसके बाद मैं hotel जाता हूँ एंड देन डिसाइड करते हैं कितने बजे निकलना है। प्लान है कि मैं 3 बजे आज रात को निकल जाऊँ, जैसे मुंबई से निकला था रात के 3 बजे, और यहाँ दोपहर तक पहुँच जाऊँ, दैट्स द प्लान। फिर अगर मैं रात को 3 बजे निकलता हूँ मुंबई, रात को मैं तकरीबन 1:30 बजे पहुँच जाऊँगा। तो आई एम थिंकिंग, क्योंकि 3 बजे निकला तो दिन भर मुझे नागपुर हाईवे करना पड़ेगा, जो मैं चाहता हूँ रात को करूँ, और अगर मैं रात को करना चाहता हूँ तो मुझे कल सवेरे 11 बजे या दोपहर के 12 बजे निकलना सही है मेरे लिए। सो देखते हैं जो भी डेवलपमेंट होगी आपको तो व्लॉग में पता चल जाएगी, मुझे तो लाइव पता चलती जाएगी। वन टू सेवन नाइन जीरो हुआ है ट्रिप पे इस, और ओडो पे देखते हैं इतना हुआ है 145793। इसे मैं कर रहा हूँ रीसेट, बस यहीं पे हूँ खरोरा के इंडियन पंप पे, 95.53। लीटर्स आया है 4877.76, मुंबई में 54 आया था, बट अभी देखते हैं मुंबई वाले का टेस्ट लेना पड़ेगा शायद। सो फुल टैंक के बाद 1360 का रेंज मिला है। दादा 35 रखना सब में। अच्छा भैया ने याद दिला दिया, नहीं तो मैं भूल जाता बताना, तो 35 रखते हैं। हवा ये आ गई है रेंज 1360 एज पर 20 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज, जीरो कर दिया है ट्रिप पे, 449 हो रहा है और मुंबई के लिए रेडी है। वो साकिना का मैं 54 कैसे आया अब क्वेश्चन मार्क बन गया, वो टेस्ट करना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग गाइज, आज है फ्राइडे 13th January 2023 और मैं हूँ इस वक्त तिल्डा रायपुर छत्तीसगढ़ में, और हम निकल रहे हैं अभी बॉम्बे के लिए। समय हो रहा है एग्जैक्टली 11:30, मुझे ब्रेकफास्ट करना है, ब्रेकफास्ट मैंने नहीं किया, लंच भी पिकअप करना है नसीब रेस्टोरेंट से जहाँ पे मैं इन 4 दिन में खाना खा रहा था। अब इसके अलावा मैं जब यहाँ आया था रूम टूर मैंने नहीं दिया, और मैंने आपको कहा था पिछले ब्लॉग में कि निकलने के टाइम पे आपको रूम टूर दे देता हूँ, तो छोटा सा रूम है, छोटी सी जगह है, तो यही अवेलेबल था, तो मैं आपको एक दिखा देता हूँ पर्सपेक्टिव। ये है डोर, मेन डोर जहाँ से आप एंटर एग्जिट करते हैं, आपको वर्क स्टेशन थोड़ा सा मिल जाता है, एक चेयर, टीवी सेटअप बॉक्स, टू सॉकेट विथ द स्विच बोर्ड ऑफ कोर्स, मेनू कार्ड
एंड बेड इज़ लाइक दिस, रेड कलर का बेड, काफ़ी अच्छा कंफर्टेबल था. ब्लैंकेट वॉज वेरी वॉर्म, आई मीन इट यूज टू कीप मी वॉर्म. टू टेबल्स, साइड टेबल्स एंड अगेन स्विच विच हेल्प्स रियली इन चार्जिंग योर मोबाइल नियर बाय. बाकी दिस इज द एरिया, स्मॉल एरिया जहाँ पे ये बड़ा सा कूलर रखा हुआ है जिसको ज़रूरत नहीं पड़ी यूज़ करने की. देन यू हैव अ ग्लास एंड यहाँ पे है गाइस मिरर जो काफ़ी बड़ा है, सो यू कैन यू नो लुक एट योर सेल्फ. एंड यहाँ से था वॉशरूम, वॉशरूम बेसिक छोटा सा सिंक, वॉशरूम एंड गीजर जिसका स्विच रूम में ही है. तो यूजली कुछ होटल्स में नहीं होते, जो बजट होटल्स होते हैं वो बात है. बकेट मैंने एक्स्ट्रा ली थी कपड़े वगैरह धोने के लिए और ये गंदा हो गया, कल रात को मैंने गाड़ी धोई थी तो जूतों से मिट्टी आ गई है, तो ये बात है. चलते हैं पहले नाश्ता करते हैं एंड विल स्टार्ट फ्रॉम मुंबई. सो गाइज, मुंबई हम इसलिए निकल रहे हैं इस वक्त 11:30 इन द मॉर्निंग को क्योंकि मैं चाहता हूँ अब इस जर्नी में जो है मुंबई नागपुर हाईवे, यानी कि नागपुर मुंबई हाईवे रात को मैं एक्सपीरियंस करूँ. हालांकि शिरडी तक है, आई वांट टू एंजॉय दैट. तो वो बात है, अभी यहाँ से मुझे तकरीबन 6-7 घंटे लगेंगे नागपुर पहुँचने के लिए, तो तकरीबन शाम को एग्जैक्ट 6-7 के बीच में मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा. वो बात है, रूट सेम होने वाला है जो आने के वक्त हमने लिया था, नागपुर वर्धा औरंगाबाद शिरडी नासिक मुंबई. सो दैट इज़ गोइंग टू बी 1000 किलोमीटर्स ड्राइव एंड कल सवेरे पहुँचने की तैयारी है. एक बार गूगल मैप सेट हो जाएगा वो मैं आपको नेविगेशन दिखा देता हूँ, लेकिन पहले नाश्ता. तो ये मंगाया गया है, आप सोचेंगे हैवी है बट यही गाइस मेरा लंच है. शाम के 7 बजे तक 8 बजे तक यही इसी पे सर्वाइव करना है. सो चिकन 2 पीस मसाला रोटी और बढ़िया रेस्टोरेंट है ये. भैया भी काफ़ी अच्छे थे, दोस्ती भी हो गई इनसे, नंबर भी एक्सचेंज किया गया है. खाना काफ़ी अच्छा है, जब भी आऊँगा तो यहीं रुक के खाना खाऊँगा. और दूसरी बात, बिरयानी नहीं लेके जाएंगे यहाँ से रात को क्योंकि रात तक मैंने बताया कि वो सही नहीं रहेगा. तो बेटर है रास्ते में महामार्ग यानी कि एक्सप्रेसवे पे जाने के पहले किसी ढाबे से कुछ उठा लेंगे या खा लेंगे कहीं पे, लेट्स सी, क्योंकि फिर शिरडी तक कुछ नहीं मिलेगा गाइस, या तो फल फ्रूट ले लेंगे. ऑलराइट गाइस, 12:30 हो रहा है, हमने नाश्ता कर लिया जो कि लंच भी था हमारा और डिनर भी ऑलमोस्ट था ही. ये है अपनी ट्रिप 16.8, फोटो में दिखा देता हूँ 145809 एंड सारा कुछ फ़िलहाल रीसेट है. 1410 की रेंज बता रहा है, इकोनॉमी भी ज़ीरो रखा हुआ है, स्टार्ट कर रहे हैं. एंड अराइवल टाइम सुबह 8:30 का है, 20 घंटे है टोटल, लगभग 20 घंटे टोटल ड्राइव टाइम करनी है हमको. तो अभी निकलते हैं तिल्दा से. शहर की एक यूनिक बात होती है हर जगह की, कुछ यू नो आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क्स दिखते हैं. तो अगर मुझे पूछा जाए कि मतलब व्हाट अबाउट द यूनिक थिंग्स हियर ना, तो यहाँ बहुत सारे ट्रक्स दिखते हैं आपको, और ट्रक्स मतलब बड़े बड़े ट्रेलर्स, वो छोटे छोटे ट्रक्स नहीं, बड़े बड़े प्रॉपर जो होते हैं ना, 40 टन 35 टन वाले दिखते हैं. सो गाइस, दिस इज अ 6-लेन बिलासपुर रायपुर हाईवे और बिलासपुर हमारे पीछे है, हम बढ़ रहे हैं रायपुर की तरफ और रायपुर से बाईपास करते हुए हम निकल जाएंगे आगे. सिटी बताता हूँ आपको, चांदनाथ की तरफ बढ़ जाएंगे, बाहर निकलेंगे रायपुर बाईपास करते हुए. आगे हमें 1.5 किलोमीटर में एक राइट लेना है, कट लेना है बाईपास के लिए एंड देन चांदनाथ में कनेक्ट हो जाएंगे. स्ट्रिक कर दो वो बेटर होगा सबके लिए.
वाली गाड़ी है, अपन BMH 46। अच्छा लगता ना किसी और शहर में अगर आप अपने रजिस्ट्रेशन एरिया की गाड़ी देखो तो, इट्स लाइक यू नो मीटिंग अनदर ह्यूमन ऑन एन एलियन प्लैनेट। आगे है रायपुर के बाहर, काफ़ी ट्रैफिक इस जंक्शन पे था और यह भी दिख रहा है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक। गाइस भिलाई जो है हमने क्रॉस कर लिया है और उसके बाद की ये रिपोर्ट है आपके सामने। रास्ता काफ़ी क्लियर अच्छा है, 4-lane highway है, दोनों तरफ 2 lane आपको मिल जाता है और नाइट में भी ये हाईवे काफ़ी अच्छा है क्योंकि बीच में आप जैसे देख सकते हैं ग्रीनरी दी हुई है जिसकी वजह से हाई बीम का भी इशू नहीं है। फिलहाल मेरी ट्रिप पे है 102 kilometers, जब से हमने डीजल भरा था 16 kilometers माइनस कर देते हैं तो तकरीबन 84 kilometers हमने कर लिए हैं तिल्डा से, जो कि रायपुर के आगे 50 kilometers है, और 100 kilometers के बाद हम जो है महाराष्ट्र एंटर कर जाएंगे तकरीबन 200 kilometers में टोटल। एंड महाराष्ट्र एंटर करने के टाइम पे जैसे मैं जब आ रहा था छत्तीसगढ़ की तरफ तो मैंने एक ढाबे पे खाना खाया था, 7-star ढाबा। अब बात ये है कि खाना तो मैं खा के निकला हूँ जैसे आपने देखा, लेकिन उनको वादा किया था तो मैं चाय ज़रूर पीऊँगा वहाँ पर। सिर्फ दिक्कत ये है कि मुझे वो दिख जाना चाहिए क्योंकि उनकी लोकेशन वगैरह जो है वो क्या कहते हैं मैप्स पे नहीं है, बट एज अ ड्राइवर मुझे मैप्स पे रिलाय नहीं होना है, आई डिपेंड ऑन अदर थिंग्स सच एज यू नो द लोकेलिटी। आपको याद रखना पड़ता है कि किस शहर के बाद था, कितने किलोमीटर पे था, वो सारी चीज़ें। तो देखते हैं, चाय वहाँ पियेंगे, सुबह से चाय नहीं पी है, हैप्पीडेंट ख़त्म हो चुका है, जो मेरी बॉटल थी वो मिल नहीं रही है और जो बाकी के एक्स्ट्रा हैप्पीडेंट थे वो पीछे बैग में है, पीछे सीट पर है। लेकिन आप तो मेरी आदत जानते हो, एक बार ड्राइविंग सीट पर मैं बैठ गया तो तकरीबन 400-500 kilometers के बाद ही ब्रेक लेता हूँ, तो जब ब्रेक लिया जाएगा तो आपका भाई जो है हैप्पीडेंट ले लेगा आगे। फिलहाल चल रही है क्रूजिंग स्पीड ऑप्टिमम 90-100 कर रहे हैं, हालांकि और ऊपर जा सकते हैं बट उससे माइलेज ड्रॉप हो जाएगा। माइलेज से मैं बता देता हूँ, फिलहाल माइलेज मिला है मुझे 22.4 kilometers का, रेंज दिख रही है 1170 और रेंज और माइलेज दोनों बढ़ाना पड़ेगा। फिलहाल सूर्यास्त हमारे आगे ही होने वाला है क्योंकि हम बॉम्बे की तरफ बढ़ रहे हैं, सो जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो धूप हमारे ठीक सामने आती जाएगी। एंड नागपुर एक्सप्रेस वे जो है गाइस, वो हम एग्जैक्टली शाम को, जैसे मैंने होटल रूम में शायद बताया था, एग्जैक्टली शाम को 6 और 7 बजे के बीच में एंटर करेंगे। एंड आई रियली वॉन्टेड टू एक्सपीरियंस दैट एक्सप्रेस वे। श्री बाला साहेब ठाकरे, हिंदू हृदय सम्राट श्री बाला साहेब ठाकरे, मुंबई नागपुर महामार्ग, समृद्धि महामार्ग, वो एक्सपीरियंस करना था रात को भी, तो दैट इज़ द थिंग। बाकी दोबारा मुझे एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा जब छत्तीसगढ़, ओडिशा, कोलकाता या फिर आसाम साइड पे अगर जाना हुआ, देन आई विल बी एबल टू एक्सपीरियंस दिस रूट अगेन, या फिर नागपुर भी। सो लेट्स सी, फिलहाल ऑप्टिमम क्रूजिंग स्पीड पे चल रहे हैं। राजनंदगांव क्रॉस कर रहे हैं, आई थिंक ये शहर है बेसिकली लेकिन नाम गांव है राजनंदगांव। एंड जहाँ तक मैं जानता हूँ ये आखिरी गांव है छत्तीसगढ़ का, शहर है आखिरी बिफोर महाराष्ट्र बॉर्डर, तो वो बात है। एंड आई थिंक नागपुर यहाँ से तकरीबन 160 या 200 किलोमीटर होना चाहिए, बिटवीन 160 एंड 180 किलोमीटर होना ही चाहिए, जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी मैं आपको बता देता हूँ। और यहाँ तक ट्रिप पे हुए हैं 130 kilometers, माइलेज इज 22.8, रेंज इज 1170 और कोई ब्रेक नहीं लिया गया है अभी तक, नॉन स्टॉप चल रहे हैं जैसे हर बार चलते हैं।
युगंतर पब्लिक स्कूल की बस थी वो, राजनंदगांव लिखा हुआ है। और ये सारी चीज़ें हाईवे पे होती रहती है। आपको केयरफुल रहना पड़ता है। और हाईवे की जो स्किल्स है, ड्राइविंग स्किल्स गाइस, वो काफ़ी अलग होती है सिटी ड्राइविंग से। तो सिटी में जो आपका थोड़ा बहुत हाईवे पे चला लेते हो, वो स्किल्स के साथ यहाँ नहीं चलाते हैं। यहाँ पे टोटली अलग तरीके से चलानी पड़ती है। सो कोई यूट्यूबर है जिसका आप वीडियो देख रहे हो, या मेरी तरह जिसका वीडियो देख रहे हो, निकल गए बिना काम के, वैसा नहीं होता है। प्रैक्टिस करें, थोड़ी थोड़ी स्किल्स सीखें, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करें, लेन डिसिप्लिन, ओवरटेकिंग में किस तरह से ओवरटेकिंग के रूल्स है, और ये किताबी रूल नहीं, जो रियल रोड पे रूल्स चलते हैं उस तरह के रूल्स जानना बहुत ज़रूरी है। किताबी रूल मतलब ये नहीं कि किताब में लिखा है राइट से ओवरटेक करें तो लेफ्ट से नहीं करना है, बट अगर लेफ्ट से करना पड़ रहा है तो कैसे किया जाए, ये किताब में नहीं लिखा होता, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और वो आता है सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस से, इस तरह के वीडियो देख के नहीं आएगा। बाय द वे, टेम्परेचर मैंने अभी तक पूरे ट्रिप में नहीं बताया, फिलहाल टेम्परेचर हुआ है 29 degrees, ड्राइविंग टाइम 2 घंटे 40 मिनट। महाराष्ट्र में जब एंटर करते हैं तो गोंदिया करके है पहला गांव छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पे, भंडारा 147, रेवात 7, ऐसा कुछ लिखा था, 7 या 1 लिखा था, मैंने ध्यान नहीं दिया। अब जहाँ पे मैं रुका था गाइस, वहाँ पे बहुत सारी गायें थी, नॉट जस्ट जहाँ पे मैं रुका था, मतलब वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा गौ। पेंट्री बता रहा है 0.5 किलोमीटर, यानी कि आधे किलोमीटर में पेंट्री गांव है। समय 3:09 हो रहा है। सो ऑफिशियली एंटरिंग महाराष्ट्र। एक अच्छा लगा मुझे इस बॉर्डर का कि कार के लिए जो है वो उस तरह का बैरिकेड बना के रख दिया है, और मेन रोड ही हाईवे जो है वो ओपन है। अभी तक जितना साउथ में मैं गया हूँ, जितने भी बॉर्डर्स आती है साउथ साइड पर, इनफैक्ट मध्य प्रदेश साइड पर भी, तो वहाँ पे भी वो टोल जैसे बने होते हैं ना चेक पॉइंट ट्रक के लिए, बॉर्डर चेक पॉइंट, उसके अंदर से जाना पड़ता है। चलिए, महाराष्ट्र मध्ये आपलं स्वागत आहे। सो द लोकेशन इज समवेअर इन देवरी महाराष्ट्र, ऑलमोस्ट आउटसाइड छत्तीसगढ़ बट ऑफिशियली इनसाइड महाराष्ट्र। सो दिस इज द घाट सेक्शन, और घाट सेक्शन के बाद है वो भैया का ढाबा 7 स्टार, देखना है। सो गाइस, ढाबा मिल गया है 7 स्टार। थोड़ा स्पीड में था, थोड़ा ज़्यादा आगे आ गया हूँ, संभाल के लेना पड़ेगा रिवर्स, क्योंकि बाइक वाले इसी लेन का इस्तेमाल करते हैं। दीदी आ रही है साइकिल पे, रोक जाते हैं, नहीं तो दीदी बैक सीट पे आ जाएगी अपने। ये रहा 7 स्टार, चाय पीते हैं।
गाड़ी पार्क करके आया हूँ 7-star ढाबा पे। सूरज सामने से आ रहा है, छांव में बैठा हूँ और अनफॉर्चुनेटली जो है भैया नहीं है, भैया गांव में है, कोई दिक्कत नहीं। ओके गाइस, जैसे कि देख सकते हैं आप 4:31 हो रहा है इवनिंग का। 218.4 किलोमीटर्स डन, 23.9 इज द माइलेज, 1210 इज द रेंज, बढ़ गई है। 201 किलोमीटर चला चुका हूँ, एवरेज स्पीड 52 किलोमीटर पर आवर एंड टेम्परेचर एयर इज 28 डिग्रीज, टोटल ड्राइविंग टाइम 3 hours 51 minutes। ले चुके हैं हम ब्रेक, चाय का चाय ब्रेक हो चुका है, वही है 7-star ढाबा जहाँ पे हम लोग मतलब आप और मैं रुक गए थे चाय पीने के लिए। और नागपुर क्रॉस करने के बाद जो है अभी हम लोग मुँह धोएंगे, मुंह नहीं धोया है मैंने। -16, so around 221 from the hotel. Great, चल रहे हैं। तो देखिए गाइज, रिपोर्ट आप देख सकते हैं आपके सामने है, दोबारा से टूवर्ड्स नागपुर 90 किलोमीटर्स अवे, नाउ मस्ट बी अराउंड 80, 6 lanes, fully high speed highway with a beautiful sunset at 4:57 in the evening, Friday the 13th. ओके गाइस, तो रिपोर्ट देनी थी आपको, जैसे कि आप देख सकते हैं हम भंडारा से 24 किलोमीटर पहले हैं और ये बढ़िया सा बाईपास के लिए फ्लाईओवर बना था, अभी ख़त्म हो रहा है, लखानी है आई थिंक ये, लेकिन राइट साइड पे जो है वहाँ पे ट्रैफिक मूवमेंट अलाउड नहीं है क्योंकि काम हो रहा है, इसलिए नीचे से जाना पड़ता है। आने के टाइम पे हमने देखा था नीचे किस तरह से छोटे छोटे डाइवर्जन करके रखे हैं स्पीड लो करने के लिए, बट लखानी है आई थिंक नीचे, भंडारा अभी आने वाला है, 20 किलोमीटर लगभग होगा भंडारा अभी यहाँ से, एंड समय है 5:14, 5:14 इन द इवनिंग। 262 किलोमीटर्स हो चुके हैं एंड एवरेज इज 24.2। गाइज, रिपोर्ट आपके सामने रखना चाहता हूँ भंडारा की। ऐसा है कि भंडारा में बाईपास रोड जो है वो सिर्फ सिंगल लेन है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसी तरह का रोड पूरा बाईपास का बना हुआ है एंड ट्रैफिक भी बहुत हो जाती है। मैं जब आ रहा था छत्तीसगढ़ तब भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिली थी। ओवरटेक करना यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि ऑनकमिंग ट्रैफिक भी बहुत होती है। पेशेंस बनाए रखिए, कोई घाई मत कीजिए, आपके पीछे वाला आपको हॉर्न मारेगा या आप दूसरे को हॉर्न मार के तंग मत कीजिए, जस्ट बी पेशेंट। गाइस, जस्ट केम आउट ऑफ भंडारा, बाईपास ख़त्म हो चुका है, जैसे ही ख़त्म होता है देन अगेन यू गेट दिस 4-lane हाईवे, 2-lane दिस साइड, 2-lane दैट साइड, एंड नाउ वी हेडिंग टूवर्ड्स नागपुर। सो दिस स्ट्रेच इज बिटवीन भंडारा एंड नागपुर एंड महामार्ग एक्सप्रेसवे नागपुर मुंबई एक्सप्रेसवे इज अनदर 72-75 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम योर। इट इज 5:56 इन द इवनिंग, 293 किलोमीटर्स ऑन द ट्रिप विद अ माइलेज ऑफ 24.2, रेंज इज 1052। वी हैव ड्रिवन 276 किलोमीटर्स टुडे विद एवरेज स्पीड ऑफ 52 किलोमीटर पर आवर and the outside temperature is 26 degrees. We have taken 5 hours 16 minutes of time to reach, to cover this much distance with one break, which was at 7-star dhaba or tea break. Sun has set and the next break will be on the first toll
the entry toll of Mahamarg. That will be a proper 40-45 minutes break where we will have fruits. नागपुर के बाहर आ गए हैं, 6:35 हो चुका है शाम का एंड यहाँ तक हमने ट्रिप पे कर लिए 333 किलोमीटर्स और 27 किलोमीटर बाकी है महामार्ग के लिए, समृद्धि महामार्ग के लिए। वहाँ पहुँच के मिलता हूँ आप। अभी एंटर कर चुके हैं महामार्ग पर। degrees outside, 368 kilometers on the trip. We have driven 6 hours 29 minutes non-stop, 24.7 is the mileage, 1030 kilometers is the range, 351 kilometers driven from the hotel, and average speed was 54, current temperature 23 degrees outside. It's a proper break. मेरे टोल है, देख सकते हैं आप, यहीं पे गाड़ी खड़ी की है, डिनर करने वाला हूँ। प्रॉपर ब्रेक है, आप देख सकते हैं फोरहेड पूरा ऑयली है, मुंह मैंने नहीं धोया, फ्रेश नहीं हुआ हूँ। आई वॉन्टेड टू कम ऑन द कैमरा लाइक दिस कि खुद को भी देखूँ कैसे दिख रहा हूँ इतने 6-7 घंटे के ड्राइविंग के बाद, और पीछे पूरा खाली सुनसान हाईवे, कुत्ता भाई, एंड पहाड़ भी अच्छे है। बैक कैमरा से दिखाता हूँ तो क्या क्या लाया हूँ डिनर में, वो भी आपको दिखा देता हूँ बैक कैमरा से। खूबसूरत ये रही अपनी वेंटो वॉल्वो, ये रहा मैं, ये मेरा सूट, और ये निकालेंगे हम खजाना, ये खजाना फल फ्रूट, केला संतरा, क्या कुछ पिचक गया है क्या? नहीं शायद थैली ऑरेंज है। ठीक है चलिए ख़त्म करता हूँ। ऑल राइट गाइस, जैसे कि आप जानते ही हैं रूटीन अपना शाम का करना ज़रूरी होता है, कर रहे हैं, और यहाँ से तो 500 किलोमीटर कुछ नहीं आने वाला, ना के बराबर पेट्रोल पंप और शून्य खाने की जगह, तो जो भी है यहाँ रुक के क्लीन कर लिया गया है। ओके गाइस, तो ब्रेक ख़त्म हो चुका है, समय बज रहा है मेरे ख्याल से, समय है 8:05, फोकस नहीं लेता, ये थोड़ी दिक्कत है इसकी, और दूसरा हाथ मेरा फोकस नहीं कर सकता, फ़ोन है हाथ में। तो निकलते हैं गाइस, काफ़ी अच्छा ब्रेक था। अब 500 किलोमीटर तक कोई खाने पीने की जगह तो नहीं है, एक आध दो पेट्रोल पंप आ जाएंगे, और ऐसे में अगर नेचर्स कॉल आता है तो वो आपको नेचर में ही लेना पड़ेगा। ओके गाइस, 8:22 को निकल रहे हैं और 23 डिग्री आउटसाइड, चलिए 24.7 का माइलेज और ट्रिप है 368.7, निकल रहे हैं, अभी निकल रहे हैं। Thank you.
on the trip. Mileage is 24.9. Just अभी सुसु ब्रेक लिया था मैंने, फिर ये जो फल फ्रूट थे वो सामने लिए, भूख लग गई है, नींद नहीं आ रही है क्योंकि रेस्ट करके निकला था. अनलाइक मुंबई से जब मैं निकला था तो रेस्ट नहीं मिली थी, इसलिए बहुत नींद आ रही थी. तो चालू है, यही है नाइट की जर्नी. और हिंदू हृदय सम्राट श्री बाला साहेब ठाकरे, नागपुर मुंबई, समृद्धि महामार्ग. ऑलराइट गाइस, सो इस तरह से एग्जिट मिलता है आपको. पहले लिखा है देखिए, वानोजा 03, शेलू बाजार 06, मुंबई 561. और अभी आगे जो है इंटरचेंज 09 शेलू बाजार वानोजा का होगा. अकोला के लिए 500 मीटर पे एग्जिट मिल रहा है, देखिए आगे आपको दिखेगा. हालांकि कैमरा में बहुत ज़्यादा दूर दिख रहा है, बट जल्दी पास भी आ जाएगा वो. सो दिस इज़ द लेफ्ट विच गोज़ टूवर्ड्स अकोला. एंड जैसे आप ये लेफ्ट लेते हो तब आगे आपको मिलता है टोल बूथ. तो जहाँ से हमने एंटर किया है एक्सप्रेसवे गाइस, वहाँ से लेकर फिलहाल शिरडी तक बीच में कोई भी एक्सप्रेसवे नहीं है, सॉरी कोई भी टोल नहीं है. ठीक है, देखिए लेफ्ट शेलू बाजार अकोला मुंबई स्ट्रेट, और आपको दूर ग्रीन सिग्नल दिख रहा होगा, लाइट दिख रही होगी, वो है टोल बूथ. सो कोई इंटरप्शन नहीं होता है आपके ड्राइव में, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग. देखिए लेफ्ट में टोल है नीचे, और हम जा रहे हैं स्ट्रेट, सीधा सीधा आगे जा रहे हैं. आप जो ट्रक्स देख रहे हैं यहाँ पे थोड़े रुके हुए हैं, दैट इज़ बिकॉज कि लाइट लगी हुई है, तो दैट इज़ सेफ फॉर देम टू यू नो पुल ओवर एंड चेक द टायर्स और टेक अ लिटिल स्मॉल ब्रेक. लेकिन ये जो बीच में इंटरप्शन नहीं होता ना एक्सप्रेस वे के, उससे क्या बेनिफिट है पता है? जैसे ट्रक ड्राइवर्स होते हैं नॉर्मल हाईवे पे, क्या होता है कि बीच बीच में RTO चेक वगैरह, तो कहीं किसी को पैसे देने पड़ रहे हैं, आगे चीज़ें आप जानते हैं, बोलने की ज़रूरत नहीं. बट यहाँ पे ऐसा कोई है ही नहीं हर्डल जिसके वजह से आपको रुकना पड़े, वो बात है. तो इसी तरह का है एक्सप्रेसवे, काफ़ी बढ़िया है, ट्रैफिक बहुत कम है, कार ट्रैफिक तो ना के बराबर ही है फिलहाल. एंड बसेस जो है टूर ऑपरेटर्स, एक दो बसेस ही देखी है मैंने, जैसे कि विदर्भा एंड एक का नाम मैं भूल गया, तो इसी तरह का चल रहा है फिलहाल. तो ओके गाइस, तो मैं शायद उस पैच पे हूँ जहाँ पे छत्तीसगढ़ जाने के टाइम पे मैं रुका था, क्योंकि लेफ्ट मेरे एक इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप है, और जो पेट्रोल पंप राइट पे था जहाँ मैं रुका था वो था BP का. सो एग्जैक्टली दैट्स दी थिंग. तो पिछला भी ऐसे ही था सिचुएशन, बट वो जगह नहीं थी, लाइक इंडियन ऑयल और BP था. ओके सो नाउ BP है, प्लस आगे एक फ्लाईओवर है ऊपर. यस एग्जैक्टली, तो यही था. शायद पैन करने की कोशिश करता हूँ, नहीं होगा गाइस, सॉरी पैन तो नहीं हो रहा है. करेक्ट, सो 627 किलोमीटर पर मुझे मिला है, और आगे इस फ्लाईओवर के नीचे ही मैं रुका था, सोया था, इनफैक्ट नैप ली थी मैंने इस फ्लाईओवर के नीचे. दिन में माहौल अलग होता है, रात में अलग होता है. ग्रेट, एटलीस्ट आई रिमेंबर कि कहाँ मैंने लिया था ब्रेक. यही होता है एज अ ड्राइवर, यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स. ऑलराइट गाइस, तो जगह थी रुकने के लिए तो रोक लिया है, लाइट वगैरह भी अच्छी थी यहाँ पे, और सेफ लग रहा था. वैसे सेफ ही है पूरा रास्ता, बट आपके मन में ही होता ना कहीं कोई रोक ले वगैरह. तो ये रही अपनी वोल्वो वेंटो खड़ी है, साथ में ट्रक्स खड़े हैं इस फ्लाईओवर के नीचे, और आपको बैक कैमरा से व्यू दिखा देता हूँ. फिलहाल बजने वैसे 12:15, तो ये है यहाँ का माहौल, पूरा चिल्ड हो रहा है अच्छा खासा, बट उतनी ठंड नहीं है जितनी आने के टाइम पे थी. और दिस इज़ हाउ इट इज़, ये रही अपनी वेंटो, वॉल्वो वेंटो. ग्रेट,
तो निकलते हैं गाइस, सिर्फ 5 मिनट के लिए रुका हूँ। देखिए ट्रक्स भी रुक रहे हैं यहाँ पे, देखिए दिखेगा नहीं, लाइट ज़्यादा है ना, वो बात है। चलिए चलते हैं, ये देखिए फ्लाई बाय। मज़ा आ गया। चलिए अब मोबाइल हाथ में लिया है तो आपको डैश पे भी दिखा देता हूँ कितना हो रहा है, MID पर चीज़ें कितनी हैं। तो फिलहाल MID पे ये है कंडीशन, 1143, 641.4 ऑन द ट्रिप, 25.2 इज़ द माइलेज, 680 इज़ द रेंज, 624 ड्रिवन फ्रॉम द होटल विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 64 एंड 16 डिग्रीज आउटसाइड विद टोटल ड्राइविंग टाइम 9 आवर 46 मिनट। काफ़ी अच्छा ना, 64 बढ़िया है यार। चलिए, और ये मैट थोड़ी गंदी हो गई थी, मैंने संतरा खा के यहीं फेंक दिया था, छिलका वगैरह, छिलका भी फेंकना है और उसके बीज यहाँ फेंके थे, मैट डस्ट आउट कर देता हूँ। स्टार्ट करते हैं फिर। तो गाइस अभी जस्ट अपन ने गाड़ी स्टार्ट कर दी है 1148, और आगे देख रहे हो आप, दिख नहीं रहा होगा शायद कैमरा में, बट VRL जा रही, VRL। और कौन सा रूट है ये मैं पता करता हूँ घर जाके, बट थोड़ा मज़ा आएगा चेस करने में। ओवरटेक कर सकते हैं इनको फटाफट, बट चेस करके जाएंगे तो थोड़ा, समझ रहे हो ना, दो वॉल्वो ड्राइवर, अपन वेंटो वॉल्वो और वो रियल वॉल्वो। 11:50 पे ये पास हो रही है यहाँ से, जगह मैंने कंफर्म कर लेता हूँ, देखते हैं वो आगे बोर्ड भी आ रहा है। डिस्टेंस ठीक है, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन कोशिश करता हूँ जूम करने की। वो देखिए वहाँ जा रही है बस। चलिए, बोर्ड पे लिखा है सिंधखेड़ राजा 58 किलोमीटर, जालना 91, औरंगाबाद 141, मुंबई 484। चलिए करते हैं चेस, देखते हैं कितनी देर तक कर पाते हैं और कितनी देर तक करने की इच्छा होती है। गाइज मैं चल रहा हूँ फिलहाल 110 पर, हाँ विजय आनंद चल रहा है 115-120 पर, और ये पक्का नागपुर बैंगलोर रूट होना चाहिए तभी ये यहाँ पे है। यस, नागपुर बैंगलोर या फिर नागपुर हैदराबाद। एग्जिट ले लिया है VRL ने, नाइस। रूट पता जरूर करूंगा कौन सा है वो, बट पता करके भी वो बस में नहीं आऊंगा, आई मीन डिपेंड्स। मज़ा तो खुद व्हील के बिहाइंड है, हालांकि बैठने का भी उतना ही मज़ा है, फिर भी देखो गए वॉल्वो B9R बढ़िया।
गाइस बहुत टाइम के बाद थोड़ी लाइटिंग वाली जगह मिली है क्योंकि आगे पेट्रोल पंप है, तो थोड़ा सा पुल ओवर कर लेता हूँ एंड टॉयलेट भी कर लेते हैं। मोबाइल उतार के ना आपको स्टैट्स भी दिखा देता हूँ। ऐसे आप देख सकते हैं 146 इन द मॉर्निंग, 820.8 इन ऑन द ट्रिप, 25.8 इज द माइलेज, 480 इज द रेंज लेफ्ट। और हमको जाना है बाय द वे अभी, और कितना फोकस ले लो जल्दी, 296 किलोमीटर जाना है, 480 की रेंज है। आगे का बताता हूँ, 803 किलोमीटर ड्राइव कर रहा हूँ होटल से अभी तक, एवरेज स्पीड 68 के साथ, नॉन स्टॉप चल रहा हूँ 13 डिग्री सेल्सियस पे, ऑलमोस्ट 12 घंटे चला चुका हूँ और चलना है क्योंकि अराइवल टाइम दिख रहा है सवेरे 8:08 का। फोकस ले लो यार आप मोबाइल जी। ओके चलिए सुसु वगैरह कर लेते हैं। हो रहा है, 150 को ब्रेक ले गया था, निकलते हैं। थोड़ा इसको ऐसे ही रहने देते हैं और निकलते हैं। ओके गाइस निकल रहे हैं 238। कंबल निकाल दिया मैंने क्योंकि सीट बेल्ट नहीं लग रहा था। आप देख सकते हैं बैजापुर जांबर गांव 1 किलोमीटर में एग्जिट है, उसके बाद सीधा शिरडी के लिए बाहर निकल जाएंगे, हाईवे खत्म हो जाएगा, एक्सप्रेसवे खत्म हो जाएगा, 35 किलोमीटर का स्ट्रेच अभी बाकी है। भूख बहुत ज़्यादा लग गई है, फल खा के जो है पेट भर तो रहा है थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फिर भूख लग रही है। एक्सप्रेसवे पर जो है ढाबा वगैरह ऑब्वियसली नहीं है, फूड कोर्ट तो बना ही नहीं है, तो बहुत मुश्किल हो रहा है। वैसे नहीं, टोटल 21 एग्जिट है गाइस। 19th जो था वो वैजापुर का है, 20th एग्जिट शिरडी का है और 21st एग्जिट सिन्नर का है फिलहाल, मतलब जब जहाँ तक ये बना हुआ है एक्सप्रेस वे। मीनवेल गाइस, मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था बहुत पहले एक वीडियो में कि हेडलाइट का थ्रो कैसा है हैलोजन का। सो टू बी फ्रैंक, हैलोजन इज आल्सो इनफ, बट दिक्कत कहाँ होती पता है कि जब सामने से आपको थ्रो आता ना किसी का, अभी जैसे मान लीजिए मैंने पहले करके दिखाया था वो टाइम लैप्स में लाइट बंद करके, अभी देखिए मैंने डिपर कर दिया फिर भी पावरफुल है, अपर कर दिया तो ये मिलता है आपको तकरीबन 250 मीटर तक की आपको विजिबिलिटी मिल जाती है। लेवल 3 पे सेट किया है मैंने, दिस इज हाउ इट वर्क्स। बट जब ट्रैफिक में होते हैं टू सिंगल लेन, जहाँ पे सामने से भी गाड़ियाँ आ रही है, तो अपना काम नहीं करता, वो दिक्कत हो जाती है। सो लेट्स सी, आगे प्लान है एक हेडलाइट अपग्रेड करने का। ऑलराइट गाइस, इट्स 3:19 इन द मॉर्निंग, एक्सप्रेसवे इज अबाउट टू गेट ओवर इन लाइक 1.5 किलोमीटर। एज यू कैन सी 1.5 किलोमीटर शिरडी, 45 किलोमीटर नासिक एंड 251 किलोमीटर फ्रॉम मुंबई, एंड आई कैन सी द टोल।
हैं मेरा चेहरा कितना टायर्ड ऑयली हो चुका है, खास करके नैप लेने के बाद मुंह नहीं धोया, अब धोऊंगा। लेकिन ये है अपना फाइनल टोल शिरडी का, ये रही अपनी वेंटो, वॉल्वो वेंटो, और हमने एंटर किया था 7:30 बजे, अब हो रहा है 3:30, और यहाँ से अभी हमको और लगेंगे 4 घंटे पहुँचने के लिए मुंबई। तो सीधा अभी मुंबई में मिलते हैं, यहाँ मैं फ्रेश हो जाता हूँ, आपको तो मिलूँगा मुंबई में। तो ये है शिरडी का टोल टू एंटर दी एक्सप्रेसवे। बहुत ज़्यादा ठंड, 13 डिग्रीज, और वॉशरूम वगैरह भी बने हुए हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, वॉशरूम है, कुछ चीज़ें हैं कोपरगांव के लिए देख सकते हैं, एग्ज़िट कोपरगांव शिरडी, बहुत खूब, तो कुछ इस तरह का है। ओके, चलिए फिर आप मुंबई में मिलते हैं। ऑलराइट गाइस, लेट्स गो। ओके गाइस, फाइनल स्टैट्स, एज यू कैन सी 8:15 इन द मॉर्निंग आई हैव अराइव्ड, 1115 किलोमीटर ऑन ट्रिप, 26.2 इज द माइलेज एंड 85 इज द रेंज विच इज़ नॉट सो गुड, 1098 किलोमीटर ऑन द ट्रिप दैट इज़ फ्रॉम द होटल टिल हियर, 63 किलोमीटर इज द एवरेज स्पीड एंड टेम्परेचर इज 19.5, टोटल ड्राइविंग टाइम नॉन स्टॉप 17 hours 27 minutes. I have arrived much before on time, that is 8:15, and that too with all the necessary breaks and not in hurry. The mileage is looking good, but the range has dropped. Need to fix that. Let's see how it works out. So that's the end of the vlog. Thank you so much for watching. If you like the content, do check out the channel, guys. There are similar videos on my channel. Thank you so much. Bye-bye.